हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। हम लोग कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, उसके फीचर्स देखे, इम्पोर्टेंस देखी, लिमिटेशंस देखे, प्रिंसिपल्स देखे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लान के जो टाइप्स है वो मैं तीन बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहला ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि टाइम पीरियड कितना है उसका। दूसरा ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ प्लान, प्लान किस चीज़ के लिए, किस स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। तीसरा ऑन बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के कौन से लेवल के लिए प्लानिंग करी जा रही है, टॉप, मिडल या बॉटम। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ड्यूरेशन के साथ। जब मैं ड्यूरेशन की करता हूँ, ड्यूरेशन यानी कि मेरा टाइम पीरियड से रिलेटेड है। एंड जब मैं ड्यूरेशन के बेसिस पे कर रहा हूँ तो मेरे दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मेरे छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए करी जाती है, जिसमें मेरे शॉर्ट टारगेट्स को अचीव करने के लिए करी गई है। या फिर लॉन्ग टर्म जो भी मेरे टारगेट्स हैं उनको जब मैं शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड कर देता हूँ एंड शॉर्ट रेंज के लिए करता हूँ, तो मेरी शॉर्ट रेंज प्लान या शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहलाती है। लॉन्ग टर्म जो भी मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, विजन है, उसको अचीव करने के लिए जो मैं लॉन्ग रेंज प्लानिंग कर रहा हूँ, वो मेरी लॉन्ग टर्म या फिर लॉन्ग रेंज प्लानिंग है। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑन द स्पेसिफिसिटी ऑफ प्लान। स्पेसिफिसिटी ऑफ प्लान की मैं जब बात करूँगा तो मेरी दो तरीके की प्लानिंग आती है। एक होती है सिंगल यूज़ और दूसरा होता है हम लोगों का अबाउट स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एक बार यूज़ होगा, सिंगल यूज़ मेरे वो प्लान्स होते हैं कि जो कि काफ़ी यूनिक है, रिकरिंग है, लेकिन इसको मैं दोबारा कहीं और यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि मेरा जो बजट वगैरह आता है, बजट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म, बजट का यूज़, बजट का प्लान ख़त्म, अगली बार आएगा तो मेरे को नया प्लान बनाना पड़ेगा। कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड हो गए, प्रोग्राम रिलेटेड हो गए, शेड्यूल रिलेटेड हो गए, वो सारे मेरे सिंगल यूज़ प्लान में आते हैं। इनके मेरे स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये कुछ दिन के लिए भी हो सकते हैं, कुछ सालों के लिए भी होता है। इसका मेरा टाइम ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कई प्रोजेक्ट होते हैं हम देखते हैं काफ़ी लंबे चल रहे हैं। तो ये है सिंगल यूज़ प्लान। उसके बाद आते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मेरे वो होते हैं जो रिपीटेटिव सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि मेरे रूल्स हो गए, पॉलिसीज़ हो गई, प्रोसीजर्स हो गए, ये सारे मेरे स्टैंडिंग प्लान्स हैं। ये कॉन्टीन्यूस होते हैं, इन्हें कॉन्टीन्यूस गवर्न किया जाता है, इनमें चेंजेस लाए जाते हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। इसके बाद हम लोग लास्ट में चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के। इसमें मेरे तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है टॉप लेवल। टॉप लेवल को मैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी कर सकता हूँ, इसका मीनिंग अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों को आता है मिडल लेवल। मिडल लेवल को मैं फंक्शनल प्लानिंग भी बोल सकता हूँ। और तीसरे पे आता है मेरा लोअर लेवल, जिसे मैं ऑपरेशनल या फिर टैक्टिकल प्लानिंग भी बोल सकता हूँ। अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। इसको देखो, समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये चीज़ें हमने नॉर्मल अपनी लाइफ में देखा है, हम इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। जस्ट यहाँ पे थोड़े कीवर्ड्स डाल दोगे तो लिखने में भी अच्छा हो जाएगा। अब जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की कर रहा हूँ, हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो मेरा टॉप लेवल है, टॉप लेवल बेसिकली आगे का पूरा विजन डिसाइड करता है, मेरी लॉन्ग टर्म टारगेट्स वगैरह को सेट करता है। एंड जब भी मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, कैसे मेरे को अपने करंट पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन तक जाना है, डिजायर्ड जगह तक पहुंचना है। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मेरी क्या है, मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो कि मेरी टॉप लेवल कर रहा है, जिससे कि जो भी उसके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉन्ग टर्म को लेकर, लंबे टाइम को लेकर, उसको वो अचीव कर सके। उसके बाद मैं आया मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल क्या है, एक तरह का ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन द लोअर एंड द टॉप लेवल। इसका काम क्या है, जो मेरे टॉप लेवल का विजन है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना, हिस्सों में डिवाइड करना, एंड उन हिस्सों को एज अ टारगेट लोअर लेवल को पकड़ा देना कि भाई तुम्हें इतने टाइम में ये अचीव करना है। जैसे कि मान लो मेरी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हुई 5 साल को लेकर, तो मेरा जो मिडल लेवल है वो मिडल लेवल उस 5 साल को साल वाइज कन्वर्ट करेगा
एंड साल वाइज टारगेट सेट करेगा। जैसे कि मेरे टॉप लेवल ने बोला कि मेरे को 20% मार्केट शेयर अचीव करना है मार्केट इंडियन मार्केट के अंदर, तो मिडिल लेवल क्या है वो देखेगा कि सेल्स वगैरह को क्या काम करना है, मार्केटिंग को क्या काम करना है, कैसे मैं टॉप वाले को लोअर वाले के लिए इजीली सिंप्लीफाई कर दूँ, वो मेरे हो गई फंक्शनल प्लानिंग। अब मैं लोअर पे गया, लोअर मेरी ऑपरेशनल या फिर टैक्टिकल, वो डेली बेसिस की मेरी प्लानिंग है, कैसे मैं डेली बेसिस का काम करता जाऊँ एंड लास्ट में जब मैं इन सबको इंटीग्रेट करूँ तो मेरे जो भी मिडिल लेवल के टारगेट्स थे वो भी अचीव हो जाए, एंड फर्दर मिडिल लेवल की वजह से जो मेरा अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है वो अचीव हो जाए। लोअर लेवल मेरे सबसे नीचे वाले लेवल के लिए जो प्लानिंग करी जाती है कि भाई डेली सेल्स के टारगेट क्या होंगे, डेली कितनी विजिट्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो ये था ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान के बाद, ऑल दो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग पढ़ा था, बट इसके अलावा कई बार एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड प्लानिंग। एंड जब मैं गुड प्लानिंग के एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूँगा तो उसमें हम लोगों का स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, रूल्स वगैरह भी आ जाएगा, तो हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो उसे स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड प्लान, मतलब क्या क्या चीज़ें एक अच्छे प्लान के अंदर होनी चाहिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मेरे प्री डिटरमाइंड गोल्स, मेरा पर्पस क्या है, क्या चीज़ मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो मेरे हो गए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात है गोल्स। गोल्स और ऑब्जेक्टिव में ये डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव मेरा थोड़ा वाइडर है एंड गोल मेरा थोड़ा स्पेसिफिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को एक बड़ा शेयर अचीव करना है सेल्स के अंदर इंडियन मार्केट में। गोल क्या होगा कि मेरे को बड़े शेयर, मतलब कितना परसेंटेज, 20% मार्केट का लेना है, 25% लेना है, क्या लेना है। जब मैं अपने ऑब्जेक्टिव को नैरो डाउन कर देता हूँ ना तो मेरा गोल बन जाता है। तो एक गोल को होना बहुत ज़रूरी है, गोल ओरिएंटेड नहीं होगा तो मेरा अच्छा प्लान नहीं कहलाएगा। थर्ड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जैसे कि अभी पीछे हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में पढ़ते हैं, तो स्ट्रैटेजी को एक तरीके का प्लान बोल सकते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी करेंट पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन में जाने की कोशिश करती है। स्ट्रैटेजी मेरी काफ़ी वाइड टर्म है। स्ट्रैटेजी के बाद आता है पॉलिसीज। प्लान के अंदर पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहले एक बार समझ लेते हैं कि पॉलिसीज़ है क्या। पॉलिसीज़ मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो कंपनी के एक्शंस वगैरह को गवर्न करते हैं। भाई कंपनी की पॉलिसी है कस्टमर, कंपनी की मतलब क्या पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मेरे सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कुछ की लीनियंट होती है, कुछ की स्ट्रिक्ट होती है। बेसिकली कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में कैसे कंपनी एक्सपेक्ट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को एक्ट करने का, वो मेरी पॉलिसीज़ हो गई। स्ट्रैटेजी क्या है, मेरा प्लान है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म को लेके, कैसे मैं अपनी करेंट पोजीशन से डिसाइड पर जाऊँ। जबकि पॉलिसीज़ मेरी गाइडलाइंस है जो कि एक कंपनी एक्सपेक्ट करे एक एम्प्लॉय को सर्टेन सिचुएशंस पे एक्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोगों का आता है पांचवा प्रोसीजर्स। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन पे क्या किस तरीके से मेरे को एक्ट करना है वो मेरा प्रोसीजर है। भाई जब मैं अपनी पॉलिसीज़, तो मेरी गाइडलाइंस थी प्रोसीजर्स, अब मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ, पॉलिसीज़ कैसे मेरे को एक्सपेक्ट कर रही थी कंपनी एक्ट करने को एंड प्रोसीजर मेरे को कैसे एक्ट करना है वो चीज़। छठा मेथड्स। मेथड्स में प्लानिंग में मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ क्या मेथड्स फॉलो करने हैं, कैसे करने हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे लाना है, वो सारी चीज़ें। सातवा रूल्स। रूल्स बेसिकली बताते हैं कि जब भी तुम पॉलिसीज़, गाइडलाइंस वगैरह को वायलेट करोगे तो तुम्हारे साथ क्या एक्शंस होंगे। देन नेक्स्ट बजट। बजट बेसिकली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। जब मैंने सारे ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी कर लिया, स्टडी करते वक्त मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है उनको मैं बेस्ट वे में, ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज कर सकूँ एंड जो भी मेरा प्री डिटरमाइंड गोल है उसको अचीव कर सकूँ। तो बजट में वही सब लिखा होता है कि कहाँ पे कितना एलोकेट करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ें। एंड लास्ट में आते हैं प्रोग्राम्स। प्रोग्राम मेरा बेसिकली एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिसको डिज़ाइन किया गया है सारी पॉलिसीज़ वगैरह को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए एंड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जाए। प्रोग्राम को एक तरीके से बोल सकते हो कि जब मैं स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स वगैरह जब सबको मैं साथ में इंटीग्रेट करता हूँ तब मेरा प्रोग्राम निकल के आता है। तो ये थे मेरे एसेंशियल एलिमेंट्स। प्लानिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका मीनिंग डेफिनेशन के साथ, फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े, देन उसका इंपॉर्टेंस देखा, लिमिटेशन देखे, प्रिंसिपल्स देखे, देन आज की वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लान्स देखे,
एंड अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड प्लान भी देखा। अब इस यूनिट के अंदर हम लोगों के मेजरली दो टॉपिक बच जाते हैं, एक है प्लानिंग प्रोसेस एंड नेक्स्ट है अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आज की वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन करके वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों को फॉलो करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।